अर्गस अपडेट सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस पुणी धरा पड़ा आंध्र चतुरता महेन्द्र तनया नदी में कलिंग दला प्रकल्प कर फायदा नेंध्र चुक्ति थिला प्रकल्प पाखे ओडार कोड़े गांव करन्नति हेले चुक्ति करी भूलिगला आंध्र हंतसंत गंजाम सीमांतर कोड़े ऊर्ध का खोर्धा रामेश्वर छक निकट में गोरुमांस बोझे कंटेनर जबत ड्राइवर समेत तीन अटक हैदराबाद चलाण होता गोमांस गाड़ीटी को निराकारपुर थाना जिमा दे बजरंग दल पांच टन गोमांस सीज क्रिप्टो करेंसी को नहीं प्रधानमंत्री मोदी उच्चस्तरीय बैठक क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग विपद उपरे आलोचना प्रस्तुत हो दूरदर्शी रणनीति सेपटे आज त्रिपुरा रे पीएम आवास ग्रामीण प्रथम किस्ती ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री पुणी आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आसंता 48 घंटे अवपात परिणत 16 दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा 17 रे गंजाम और गजपति रे भारी वर्षार पूर्वानुमान सेपटे लगाण वर्षा बढ़ाला चाषीों चिंता दिल्ली में वायु प्रदूषण भयंकर स्थिति सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पर बड़ निष्पत्ति देले दिल्ली सरकार सोमवार ठू सप्ताह जाए स्कूल बंद 14-17 नवेम्बर जाए निर्माण कार्य बंद घर काम करे सब् सरकारी कर्मचारी तीन वर्षर शिशु को धरी स्वामी को जंगल में खोजी बुलू स्त्री स्वामी को छाड़ापी माओवादी करकु नवेदन छत्तीसगढ़ मनखली अंचल महिला स्वामी अजय रोशन को अपहरण कर माओवादी एवं आज टी20 विश्वकप्र ट्रॉफी टक टाइटल मुहांमुही हे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिल नुआ चैंपियन दल 2015 विश्वकप फाइनाल बदला ने प्रयास कर न्यूजीलैंड एवं आसवा संपूर्ण खबर को ओडिशा आंध्र सीमांत महेन्द्र तनया नदी में कलिंग दला जल प्रकल्प निर्माण कर आंध्र सरकार निज राज्य में उभय खरीफ एवं रबि ऋतु में दुई थर लेखाएं चाष कर सुना फलाउे ओडिशा सह आंध्र सरकार कर चुक्ति संपूर्ण भूली जा तेज जार ग्राउंड जीरो को जी गुमर खोली अर्गस 1990-1995 जनता मैदान रे तत्कालीन ओडिशा मुख्यमंत्री विजु पटनायक और आंध्र मुख्यमंत्री एनटी रामा राव को मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण चुक्ति होता चुक्ति रे स्थिर होता आंध्र ओडिशार गंजाम सीमांत गुड़ीखला तलिया जगार प्राय 400 एकर जमि में कलिंग दोला प्रकल्प निर्माण कर जल को आंध्र तार जमी को छाड़ तार बदल में प्रकल्प सेपटे ओडिशार प्राय 20 ऊर्ध ग्रामर उन्नतिकरण करें रास्ता पा शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख मौलिक सुविधा जोगाइब आहार भितर बीतिकला दीर्घ 25 वर्ष किंतु चुक्ति को संपूर्ण भूली जा मन हो आंध्र कारण ओडिशार 400 एकर जमी सह ओडिशार नदी ड्याम करी पानी नेला सत किंतु आज पर्यंत आंध्र सरकार ओडिशार गांव गुड़िकर कौन सुविधा करना सेतेबेले एक सर्वनिम्न सेस रखा जाइतिला ताहा मध्य आज पर्यंत आंध्र सरकार ओडिशा को जोगाइ नथिबा जणा पडिछे बड़ कथा जेते बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा नवीन जगन को भेटघाट रे काहे के उठा गला नाही ताकुने वर्तमान साधारण रे प्रश्न उठिछे ब्रह्मपुर प्रतिनिधि पीतांबर नाहा को आम सहित जोड़ी छंती पीतांबर बोध हुए जेतेबेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं आंध्र सरकार को मध्ये आपोस आलोचना होता किसी प्रभाव पड़ानी आलोचनार एक कथा ही बयान करुच्ची जेतेबेले पुणी थरे आंध्र दादागिरी देखाई निवेता ये तो दादागिरी नुह ये हूँ आंध्रर जो भाव में स्वार्थपरता जमीक ओडिशा चुक्ति करूँ आंध्र कहीं भूली जाऊँ जमी कहते जो भाव में पूरा घटना जे जमी 1990-95 भितर विजु पटनायक ओडिशार मुख्यमंत्री रही थे एवं आंध्र मुख्यमंत्री सहित गोटे आलोचना होता जितेबले महेन्द्र तनया नदी होड़शार पा होड़शार जो आंध्रा ड्याम कर से जगह होड़शार तो ये चुक्ति भित्ते ओडिशा सरकार आंध्र सरकार को कही जो भाव आम जगार ड्याम कर आमर पानी व्यवहार करम नदी को आपणकर फसल लगे तो यही क्षेत्र में आमर जो से पेरीफेरी रे 20 गाँ रही प्रकल्प आरपटे 20 गाँ रही से गाँव को अंत आपण आम स्वार्थर अर्थात ओडिशा स्वार्थर
विकासमूलक काम पहुँचाइबे अर्थात महेन्द्र तनया ब्रिज कथा कहिबा रास्ताघाट कथा कहिबा पानी जल कथा कह ए सब कहिबा किंतु आंध्र सरकार संपूर्ण भाव अनिकट कर देले जल रखी देले निज स्वार्थ पूरण कर देले किंतु कौनसी प्रकार विकास पहुँचाइलानी एबे भी प्रकल्प आरपारी रे पाखापाखी 21 खंड गाँ रही प्रत्येक गाँ दुर्दशार जो भाई भाव में कालजीपात करुं विशेष भाव आंध्र कौन विकास करलोटी जमीक मुझ पूर्व देखाऊ गोटे पर गोटे गाँ को निज अतिर को नौ अर्थात स्वार्थपर देखला पुणी आउ थे धक्का दूसरी सबुठ बड़ संगीन कथा होते नवीन जगन का भेटघाट होता से प्रासंगिकता अति गुरुत्वपूर्ण थी कहीं जो भाई भाव में ए प्रासंगिकता को कहीं राज्य सरकार उठेले ना एवं आंध्र सरकार को कहीं कहले ना ता गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि आम से ग्राउंड जीरो को जितेबाड़ परिदर्शन करूँ से ग्राउंड जीरो देखी लोकों सहित आलोचना करूँ सेठे जहाँ लोक मैंने कहते लोम टांकुरी उठ बजे जो भाव में आम जगह आम पानी जो तांकर फसल भल होमर फसल नष्ट आम पाखे विकास बोली किसी ना आम आम ओडा को संजयीकरण हो पारना रास्ता टीए ना किंतु आंध्र पट को सबकि सुविधा रोचे आंध्र सरकार पट को सुविधा कर अर्थात ए गोटे मसुधा ए गोटे स्वार्थपर जो भाव में देखा जापटे दुर्दशार जंत्रणा अंपटे केवल से नुह ओडा सरकार को से डैम पर किसी टंका अर्थात आपड़ जमी कहते सेस से सेसटा किसी टंका आकार दबार आवश्यकता थिला किंतु टंका मध्य मिल पारा ना अर्थात ओडिशार पानी आंध्र नौची छाणी किंतु कौनसी प्रकार मध्य राज्य सरकार ना भूखेप करुछंती ना जिला प्रशासन दृष्टि दूची केही मध्य ताहाकु संपूर्ण भाव सत जमी भूली जाइछंती दीर्घ 25 वर्ष होला एमती आंध्र नौची पानी संपूर्ण भाव प्रत्येक ऋतु लाभवान होची फसल करिकी सेही जलरे आंध्रर प्राय एकाधिक जगह से पानी रे से नदी रे अंतर्भुक्त होती फसल करने किंतु ओडिशार जो विकास होबा कथा आंध्र सरकार संपूर्ण भूली जाइछंती ए होची सबुठारु बड़ संगीन अभियोग जे आंध्र सीमा आंध्र एवं ओडिशा सीमांत विवाद मध्यरे ओडिशा तांकु 25 वर्ष तले अनुकंपा देखाइथिला किंतु आंध्र वर्तमान मध्य दउची बड़ धक्का भावे पुणे थे आंध्र चालाकी सामना को आसी महेन्द्र तनया नदी में जितेबले कलिंग दला प्रकल्प कर फायदा नौचे आंध्र ताकू नहीं प्रश्न उठी जे चुक्ति कर आंध्र केमती भूली जाए चालाकी सामना को आसी बहुत बहुत धन्यवाद पीतांब नाहक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि ए बाबद आलोचना करुले डैमटा है सरकार कौटा आमको रोड किसी सुविधा ना ଏତେବେଳକୁ ବନ୍ୟା ଭାତିଆରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପବନରେ ଯାଇପାରୁନୁ ଡାକ୍ତର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଏକା ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆଉ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତ ଆସିକି ଖୋଳିଦେଲା ସେ ସବୁ କଲା ଆଉ ଆମେ ତ ସେଟା ଖୋଇବାର ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିନୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଯା ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆହୁରି ଆମର ଆମ ଖୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ସେ ଏନର୍ଜି ଖାମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗଙ୍ଗାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସେ ବାରଗଡ଼ ଧରୁ ଆମେ ହଁ ଆରଡ଼ି ସେ ଗରଖାମଟା ଏବା ଫେ ବୋଲିକି ସମାଧାନ କରୁଛି ଛୁତିଆଗା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ ନାହିଁ ଗୋଟ ନାହିଁ ଡାର ଯିବାକୁ ଏ ଲୋକ ଯିବାକୁ ବା କରେ ଏ ଆମର ଜାଗାରେ ବି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯାଉନି ଏ ଯାଉନି ରୋଡ଼ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଖାଦୁଅ ବର୍ଷାରେ ପାଣିରେ ଥିଙ୍କି ଯାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ଗୋରୁ ମାଂସ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର ଜବତ ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଅଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗୋ ମାଂସ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ରାମେଶ୍ୱର ଛକରେ ଅଟକାଇ ନିରାକାରପୁର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅଟକ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଠୋର ମିଆଲାଲ ପିଣ୍ଡାରୀ ଚନ୍ଦୁ ଲତାଫ ଗାଡ଼ିରେ 5 ଗୋମାଂସ ଥିବା ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଘଟଣା ଅତାବିରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପିଏସ୍ଓଙ୍କ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଗତକାଲି ଅତାବିରାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା
ବିଏସ୍ଓ ରଖାଯାଇସି କେବଳ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ଦିଆଯାଇସି ଏନ୍ତା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମାଉଜର ବାହାର କରାବେ ଆର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ମାନେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାବେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଏସ୍ଓର ଇଏ କରିକରି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ବିଏସ୍ଓ ମିଶିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚମକଉଛନ୍ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣବାର୍କେ ଏମାନେ ଚାହିଁକରି ନିଜେ ଶାସକ ଦଳର ବହୁତ କର୍ମୀ ଆସିକରି ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରଖିଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯେନ୍ଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତାକେ ନେଇକରି ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଅତାବିରାର MLA ମହୋଦୟା ଖେଲିପାଲି ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଖେଲିପାଲି ସେଇଠାରେ ସେ ସ୍ପଟରେ ମୋର OIC ଏବଂ ଅତାବିରା OIC ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ଥିଲେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ସେ ପିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର MLAଙ୍କର ସେ PSO ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଆଉ ସେ କିଛି ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁକଟା କ'ଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଭିଜିବୁଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ମଡ଼ାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ମାଣିକ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ସୁମ୍ବିତ ପୃଷ୍ଟି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୁମ୍ବିତ ପୃଷ୍ଟି ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। କିରାନା ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍କମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ରୋହିତ ଛୁରାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ କିରାନା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କି ଦୋକାନ ସଟର ତାଡ଼ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିନେଇଛି। ଏନେଇ ବଙ୍କମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିକୁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ଫଣ୍ଡିଂ ହତ୍ୟା ହେବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଇ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରା ନଯାଏ ତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବୈଠକରେ ଏପରି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାରକୁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଓ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂର ହତ୍ୟା ହେବାକୁ ଯେପରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଠୋସ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିର ଦୁରୁପଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଲୋଭନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିକଶିତ କୌଶଳ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଏହା ଉପରେ ମତ ସହ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ୍ରିପୁରାର 1,47,000 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତ୍ରିପୁରାର 1.47 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ PMAYG ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତ୍ରିପୁରାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଚ୍ଚା ଘରର ସଂଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେହାଲ ସ୍ଥିତି, ତେବେ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆସିବନି ସୁଧାର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଲଘୁଚାପ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଏକ
लघुचाप क्षेत्र में परिणत होती। आसंता 15 तारीख बेलू उत्तर आंडामान सगर और दक्षिण पूर्व बंगोपसगर अवपात में परिणत होबे अधिक घनीभूत हो आंध्र उपकूल छुईब। यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षार आशंका रही। या प्रभाव में 16 तारीख रु दक्षिण ओडिशा रे वर्षा परिमाण वृद्धि पाई। 17 रे गंजाम एवं गजपति रे भारी वर्षा नहीं पूर्वानुमान होई जहां बेड़ी उपरे कोरोना माड़ भली। 19 और 20 तारीख में उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा सह मेघुआ पाक रहिबो। सेपटे आज राज्यर 7 जिला तथा खोर्धा पुरी गंजाम गजपति कटक नुआकड़ जगतसिंहपुर में प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करा दैछि। सेपटे लगाण वर्षा जोगु केउटी चाष जमीरे पानी माड़ी जाइछि तो केउटी घर भितरे पानी लहड़ी मारुछि। गंजाम और गजपति जिले में 100 एकर चाष जमीरे पानी माड़ जाइए। धान ठार पनीपरिया चाष क्षतिग्रस्त हो शीतदिनिया पनीपरिया फसल नष्ट आशंका बढ़ जाइए। सेपटे चाषी मुंडे चड़क लघुचाप वर्षा आणला दुर्दशा। लगाण वर्षा जो गंजाम जिले में हजार हजार हेक्टर चाष जमी जलमग्न हो बर्षे। पुरुषोत्तमपुर खलीकोट सोरडा आशिका दिगपंडी धराकोट पोलसरा कविशूर्यनगर ब्लक सबुठ अधिक प्रभावित होती। चाषी वर्षकर परिश्रम बर्षे धोई जाता बेले धान चाष बहु पनीपरिया फसल नष्ट हो क्षतिपूरण सहायता जगै देवा सरकार निकट में निवेदन करिछंती चाषी। दिल्ली में वायु प्रदूषण भयंकर स्थिति। प्रदूषण जो दिल्ली में परिस्थिति खराब हो चली। वायुर मान एत खराब हो पड़ी जे जीवन जापन असंभव हो पड़ला। या नजरे रखी दिल्ली सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। दिल्ली में सप्ताह जाए स्कूल बंद घोषणा कर सोमवार सप्ताह जाए स्कूल बंद करने को निर्देश दि जाए। या व्यतीत दिल्ली में 14-17 नवेम्बर पर्यंत निर्माण कार्य बंद करने को निर्देश देते केजरीवाल सरकार। से सबू सरकारी ऑफिस गोटे सप्ताह पर 100% क्षमतार कर्मचारी को नहीं घर काम करेंगे। या पूर्व सुप्रीम कोर्ट उभय केन्द्र और राज्य सरकार को यथाशीघ्र कौन पदक्षेप ग्रहण करने को निर्देश देते। एपरिक दिल्ली में लॉकडाउन भली कटकणा लगवा उपर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट कहते। एवं नजर पकाइबा आउ एक संवेदनशील खबर उपरे। 3 वर्षर शिशु को धरी स्वामी को जंगल रे खोजी बुलुची स्त्री। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिलार मनखली अंचल में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजन होता रास्ता निर्माण समय रे दुई जन को अपहरण करते माओवादी। सेमु जड़े इंजीनियरिंग बेले जड़े सहयोगी थे तेज इंजीनियर साथी को माओवादी मैंने छाड़ता बेले आज भी इंजीनियर अजय रशन लाकड़ा माओवादी कब्जा रही। तेज स्वामी को छाड़ापी माओवादी को आकुल अनुरोध करते स्त्री। एथसत निजर 3 वर्षर शिशु को धरी स्वामी को खोजापी जंगल जंगल बुलूं पत्नी। दो से तीन दिन हो गया है और वो 11 तारीख को सुबह ऑफिस के लिए निकले थे। फिर ऑफिस के बाद उनका मैं फ़ोन लगाई एक बार 1 बजे तो 1 बजे से उनका फ़ोन बंद आ रहा था कि मेरे हस्बैंड दोस्त हैं वो सीधे साधे इंसान हैं उनको छोड़ दें क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और उनके अलावा मेरा कोई नहीं है और परिवार में भी कोई नहीं है। उनकी माता भी बुजुर्ग हैं और मतलब बस वही उनका सहारा है कि तो अब हम लोग के परिवार के लिए उनको छोड़ दें। मैं यही उनसे अपील करूँगी। आज शिशु दिवस शिशुं दिन टी शिशु अधिकार दायित्व और शिक्षा विषय सचेतन करने उद्देश्य सारा देश पालुच महान दिवस। महान नेता जननायक दूरदृष्टि संपन्न व्यक्तित्व तथा भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य जाति पालुच शिशु दिवस। आज शिशु आसंता काल नागरिक देश निर्माण में शिशु गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। एक मर्मे मर्मे हृदयंगम करते नेहरू छोट पा आदर करुवा स्नेह करुवा महान व्यक्ति होती चाचा नेहरू। फूल भरी छोट पा स्नेह करुले देशर प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू प्रति मुहूर्त में कथा चिंता करुले देशर गौरव देश निर्माण में भूमिका और अंगीकारबद्धता को बुझीते से एपाई नेहरू जन्मदिवस 14 नवेम्बर को प्रत वर्ष शिशु दिवस रूपे पालन कर।
नजर पकाइबा खेल खबर उपर आज चलित टी ट्वेंटी विश्वकप्रे ट्रफी टक्कर टाइटल पाई मुहांमुही हेबे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिलिब नुआ चैंपियन दल आज संध्या 7:30 रे दुबई अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे ए मैच खेला जिबो गोटे पटे प्रथम थर पाई टी ट्वेंटी विश्वकप फाइनाल रे प्रवेश करितबा न्यूजीलैंड रहितबा बेले अन्य पटे रहिछ ऑस्ट्रेलिया शेष थर पाई 2010 रे टी ट्वेंटी विश्वकप फाइनाल रे प्रवेश करितला ऑस्ट्रेलिया किंतु विजय हेबारु वंचित होइतला चलित वर्ष उभय टीम क टी ट्वेंटी विश्वकप यात्रा चमत्कार रही दुहे सेमिफाइनाल चमत्कार प्रदर्शन कर फाइनाल रे प्रवेश करती टी ट्वेंटी विश्वकप्रे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थरे मुहांमुही होता बेले विजय न्यूजीलैंड हाथ में लगी उभय दल 2015 आईसीसी दिनिकिया विश्वकप फाइनाल रे लड़े करते जो ऑस्ट्रेलिया विजयी होता 2015 आईसीसी इवेंटर फाइनाल रे आज पुणि थे दुई दल मुहांमुही हे न्यूजीलैंड 2015 फाइनाल प्रतिशोध ने प्रयास कर तबे वर्तमान पे खबर एति कि मते विदा दियंतु नमस्कार।